Hello students, in this video we will discuss about chapter 3 of English grammar of class 2nd. Okay, so what is the name of the chapter? The name of the chapter is naming words. Kya hum padhenge? Naming words. Hamara chapter ka name kya hai? Naming words. Aise words jinka apna naam hota hai, theek hai, jo apne नाम से होते हैं. और नेमिंग वर्ड को हम और क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं. ओके ओके, नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. यू हैव रीड दैट नेमिंग वर्ड्स आर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. हमने ये पढ़ा है कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स होते हैं. जो हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? किसी भी इंसान का नाम या किसी भी जगह का नाम या किसी भी एनिमल का नाम या नाम या किसी भी थिंग का नाम, जो भी किसी सामान का नाम होता है, तो तब क्या कहलाते हैं? हमारे नेमिंग वर्ड कहलाते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज नाउन्स. और इन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. नाउन सब लोग जानते हैं ना. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो किसी भी इंसान, एनिमल या प्लेस या किसी भी थिंग का नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. और नाउन ही हमारा क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है. ओके, चलिए हम कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेते हैं. सबसे पहला एग्जांपल हमारा क्या है? पर्सन मतलब इंसान. किसके बारे में पढ़ेंगे? पर्सन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, चलिए देखिए यहाँ पे पहला नाम क्या दिया हुआ है? सारा. सारा क्या है? किसी भी एक लड़की का नाम है. ठीक है, यहाँ पे गर्ल होता तो वो नेमिंग वर्ड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सारा. तो वो एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है, किसी लड़की का नाम है सारा. ओके, फिर नेक्स्ट क्या दिया है? अंकित. अंकित भी एक लड़के का नाम है. यहाँ पे एक लड़की, एक लड़के का नाम दिया है. फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? मिस्टर शर्मा. शर्मा भी किसी का नाम है, किसी को हम किसी के नाम से बुलाते हैं ना, तो मिस्टर शर्मा हो गया. फिर नेक्स्ट है क्या? मिसेस गुप्ता. ये भी कोई होंगी, उनका नाम है. फिर डॉक्टर अमरीश, ये भी कोई डॉक्टर है, उनका नाम अमरीश है. फिर मिस सोनिया, कोई लड़की है, इन्हें मिस सोनिया कहा जा रहा है. ओके, ये सारे क्या है? हमारे इंसानों के नाम. ओके, इन्हें हम पर्सन कहते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है? प्लेसेस. ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? किसके बारे में? जगहों के बारे में. कौन कौन सी जगह है, उन जगहों का पर्टिकुलर नाम क्या है? देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है? ताजमहल. ओके, क्या है? ताजमहल है. ताजमहल एक बहुत ही अच्छी जगह है ना, बहुत देखने में सुंदर है. एक महल है, मॉन्यूमेंट है वो. ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? इंडिया. इंडिया हमारी कंट्री का नाम है. ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? एशिया. एशिया में हम रहते हैं. वर्ल्ड मैप में चेक करेंगे तो एशिया में ही इंडिया आता है, तो ये भी एक जगह का नाम है. ओके, लाजपत नगर, ये कहीं पे जगह है, इसका नाम है. फिर क्या है? नेहरू प्लेस. नेहरू प्लेस भी दिल्ली में एक जगह है, वहां का है. ओके, और दिल्ली. दिल्ली क्या है? हमारे इंडिया की कैपिटल है, तो वो भी एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, जो कि नाउन है. ओके, तो ये हो गए हमारे सारी प्लेसेस. इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में, एनिमल्स के बारे में. किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एनिमल्स के बारे में. ओके, अब देखते हैं क्या क्या एग्जांपल दिया हुआ है. सबसे पहला एग्जांपल क्या है हमारा? टाइगर. चीते का नाम सुना ही होगा सबने, जो हमारा नेशनल एनिमल है, तो टाइगर. फिर क्या है? स्पैरो. स्पैरो एक चिड़िया है. जीब्रा. जीब्रा भी एक एनिमल है. स्नेक. सांप. सांप को भी सबने देखा ही होगा लगभग. और क्या है एग्जाम्पल? कॉकरोच. कॉकरोच ने भी लगभग कॉकरोच भी सबने देखा होगा. फिर क्या है? आंट मतलब चीटी. चीटी भी सबने देखी होगी. ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर के बारे में हमने काफी स्टोरीज पढ़ी हैं, तो हम उसको भी जानते हैं. और एलिफेंट. एलिफेंट मीन्स हाथी, तो इसके बारे में सब लोग जानते हैं. ओके, तो ये सारे क्या हो गए? कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स के नाम हो गए. जैसे इसमें बताया गया है कि टाइगर
नाम है उसका, ये नहीं कहा गया है कि वहां पे सिर्फ एनिमल है, क्या कहा गया है उसका पूरा नाम बताया गया है कि कौन सा एनिमल है। ओके, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे किसका, थिंग्स का। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके, तो हमारा पहली थिंग क्या है? बस। ओके, इस पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? थिंग क्या होती है? कुछ सामान, जैसे कुछ चीजें होती हैं जिनका नाम होता है, तो वो है। ठीक है, तो बस क्या है? एक कोई चीज ही है ना जिससे हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। ट्रेन है, ट्रेन से भी हम कहीं भी आ जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। कार से भी हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? बुक। बुक से हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? बैट और बॉल। बैट बॉल से हम खेलते हैं। फिर क्या है? एरोप्लेन है। एरोप्लेन जो है आसमान में उड़ती है, उसमें लोग कहीं भी आ जा सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत जल्द पहुंच जाते हैं। फिर टॉय है, टॉय से हम क्या करते हैं? खेलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? टेबल और चेयर। टेबल पे हम कोई भी सामान रखते हैं, चेयर पे हम बैठते हैं। ओके, ये सारे हमारे जो एग्जाम्पल किसके हैं? यानी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स के हैं। ओके, वी विल लर्न अबाउट टू टाइप्स ऑफ नाउन इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? टू टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब देखते हैं टू टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से हैं हमारे। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन, और दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं। अ गर्ल एंड हर फ्रेंड वेंट टू अ मॉल। एक लड़की है और उसकी एक फ्रेंड है, वो दोनों कहाँ पे जाती हैं? एक मॉल में जाती हैं। ओके, इन दिस सेंटेंस गर्ल, फ्रेंड एंड मॉल डू नॉट एग्जैक्टली से हु आर दे एंड टू विच मॉल दे वेंट। इस सेंटेंस में न गर्ल, जो गर्ल है वो, और की फ्रेंड है और मॉल। हमें ये इतना पता है कि कोई लड़की है, उस लड़की की एक फ्रेंड है और एक मॉल। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उस लड़की का नाम क्या है, उसकी फ्रेंड का नाम क्या है और उस मॉल का क्या। हमें इतना बस पता है कि एक लड़की है, उसकी फ्रेंड है और मॉल है, उसमें वो लोग गए। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेघा एंड शिवानी वेंट टू पैसिफिक मॉल। इसमें क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? मेघा है एक लड़की और एक लड़की शिवानी है, वो दोनों कहाँ गई है? पैसिफिक मॉल में गई है। किस मॉल में? पैसिफिक। हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि एक लड़की है, उसका नाम मेघा है, और उसकी कोई भी दोस्त या जो भी होगी शिवानी उसका नाम है। वो दोनों कहाँ गई है? एक पैसिफिक मॉल में गई है। एक मॉल है, उसका नाम पैसिफिक है, वो वहां पर गई हुई है। मेघा, शिवानी एंड पैसिफिक मॉल, टेल अस एग्जैक्टली हु दे आर एंड टू विच मॉल दे वेंट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है? क्लियर है कि मेघा एक लड़की, एक लड़की शिवानी है, और वो दोनों कहाँ पर गई हुई है? एक पैसिफिक मॉल में गई हुई है। ठीक है, तो हम इससे बहुत क्लियर है कि दोनों लड़कियां जो है कहाँ गई हैं? पैसिफिक मॉल में गई हुई है। सो वी कैन से दैट गर्ल, फ्रेंड एंड मॉल आर कॉमन नाउन। ये क्या है? दोनों दोनों ही हमारे लिए क्या है? कॉमन नाउन से। कॉमन मतलब हम किसी भी लड़की, अगर गर्ल का नाम हमें पता नहीं तो हम किसी भी लड़की को कह सकते हैं कि हाँ वो लड़की है। ठीक है, तो हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि हाँ आखिर कौन है, तो इनको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। लेकिन मेघा, शिवानी एंड पैसिफिक मॉल, ये तीनों ही क्या है? प्रॉपर नाउन है। हमें एग्जैक्टली पता है कि जो मेघा लड़की है, जो शिवानी उसकी फ्रेंड है, और वो दोनों कहाँ पर गई हुई? एक पैसिफिक मॉल में है। हमें कुछ भी मतलब उनके बारे में पता करना, हम बहुत इजीली पता कर सकते हैं। तो कॉमन नाउन नाउन में जो चीजें होती हैं, वो हमें थोड़ी सी कंफ्यूज करती है कि हाँ कौन है एग्जैक्टली। हमें पता नहीं होता है कि हाँ
हम सीधे इसी की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर किसी भी इंसान, जगह या किसी भी चीज की बात कर रहे होते हैं. ओके, अ कॉमन नाउन इज जनरल नेम फॉर अ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस एंड अ थिंग. ठीक है, वो क्या होता है, एक जनरल नेम होता है जो हम किसी को भी दे सकते हैं. ठीक है, कॉमन नाउन डू नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर. जो हमारा कॉमन नाउन होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है. वो किसी भी मतलब स्मॉल लेटर रहेगा तो भी वो स्टार्ट हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे अब. ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, माउंटेन. माउंटेन मतलब पहाड़. पहाड़ बताया नहीं कि कौन सा माउंटेन है. ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है. फिर क्या है, गर्ल दी हुई है. गर्ल का नाम नहीं बताया कि कौन सी लड़की है, लड़की का नाम क्या है, बता है इतना बस पता है हमें कि एक लड़की है. फिर नेक्स्ट क्या है, बुक है. कौन सी बुक है, हिंदी की बुक है, इंग्लिश की बुक है, ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि कोई बुक है. तो ये सारी जो एग्जाम्पल है हमारे वो किसके हैं, कॉमन नाउन के हैं. ओके, अब हम क्या देखेंगे आगे, प्रॉपर नाउन. ठीक है, प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो क्या है, एक पर्टिकुलर किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी एनिमल का और किसी भी थिंग का नाम जो होता है वो हमें बताता है, जो प्रॉपर नाउन होता है. ठीक है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर. ठीक है, जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैसे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से होता है. कॉमन नाउन जो होता है वो किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकता है, मतलब वो स्मॉल लेटर से भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है सिर्फ उनसे क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं. ओके, पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. पहला क्या है, माउंट एवरेस्ट. ऊपर कॉमन नाउन में सिर्फ क्या दिया हुआ था, माउंटेन दिया हुआ था. ठीक है, मतलब वो पहाड़ बता रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, एक पहाड़ का नाम दिया हुआ है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट. ठीक है, ये हमारे हमारे क्या पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है. ठीक है, फिर नेक्स्ट एक लड़की दी हुई है, उसका नाम दिया हुआ है रूही. इस लड़की का नाम क्या है, रूही. कॉमन नाउन में क्या दिया था, सिर्फ गर्ल दिया हुआ था. ओके, नेक्स्ट क्या है, रामायण. रामायण क्या है, हमारी एक पॉली इपिक है, मतलब एक ग्रंथ है, एक बुक है जिससे हमें भगवान राम के बारे में पता चलता है. ठीक है, तो इससे हम बहुत कुछ जानते हैं, हमें बहुत ज्ञान भी मिलता है, तो ये बुक के बारे में सबको जानना चाहिए. ठीक है, तो ऊपर क्या दिया हुआ था, एक बुक दी थी, उसमें किसी का नाम वाम कुछ भी नहीं था, मतलब कौन सी बुक है, कहाँ की बुक है, ये हमें नहीं पता. लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नाम में क्या है, हमें पता है एग्जैक्टली कि किस कौन सी बुक है, किसके बारे में है. ठीक है, इससे हम चीजों को बहुत ही इजिली जान जाते हैं प्रॉपर नाउन में. ओके, हमारा चैप्टर एंड हो गया है, अब आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा. चलिए एक एक्सरसाइज मैं आपको बता देती हूँ. सर्कल द प्रॉपर नाउन एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. वन इज डन फॉर यू. इसमें देखिए पहला एग्जांपल क्या दिया है, गीतिका इज अ गुड गर्ल. गीतिका एक लड़की है जो कि बहुत ही अच्छी है. तो प्रॉपर नाउन को हमें क्या करना है, सर्कल. प्रॉपर नाउन गीतिका, ये देखिए पहला है नाम है उसका, उसको हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और इसमें हमें पता चल रहा है कि उसका नाम क्या है, गीतिका है. कॉमन नाउन देखिए यहाँ पे गर्ल दिया हुआ है, यहाँ पता नहीं कौन सी लड़की है, इसलिए कॉमन नाउन को अंडरलाइन करेंगे. फिर नेक्स्ट है क्या, आई सॉ बुलॉक्स रेजिंग ऑन मिस्टर सिंह्स फार्म. ठीक है, यहाँ पे क्या है, मिस्टर सिंह जो है प्रॉपर नाउन हो जाएंगे और बुलॉक्स जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट, राज फादर इज अ डॉक्टर. जो राज के पापा हैं वो क्या है, एक डॉक्टर है. तो हम राज को क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन में सर्कल कर देंगे और डॉक्टर को कॉमन नाउन में अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है, ऐसे ही आप सारी एक्सरसाइज को जो है कंप्लीट कर लीजिएगा. ओके, सो द चैप्टर इज एंडेड. थैंक यू.